वेलकम टू द लोपा टेक्नो एजुकेशन गाइस। तो आज हम देखने जा रहे हैं 2 अप्रैल की करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत सरकार ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत कब की है। तो हाल में ही इंडियन गवर्नमेंट ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत 30 मार्च को करी है। तो इसका मतलब है कि भारत सरकार ने 30 मार्च को कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020 की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 के मद्देनज़र कानून का पालन करने वाली कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी को राहत प्रदान करना है। तो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम की 2020 की शुरुआत की है भारत सरकार ने 30 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे स्विच करते हैं। तो हाल में ही पूर्वी इंग्लैंड के किस व्यक्ति ने 6 फीट 7 इंच हाइट का दुनिया का सबसे बड़ा रूबिक पजल बनाया है। तो टोनी फिशर जिसने 6 फीट 7 इंच हाइट का सबसे बड़ा रूबिक पजल बनाया है। तो पूर्व इंग्लैंड के टोनी फिशर ने 6 फीट 7 इंच का सबसे बड़ा रूबिक पजल बनाया है, जिसे बनाने के लिए प्लास्टिक के पाइप और रेनफॉल्स बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे स्विच करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रसिद्ध कॉमेडियन केन सुमरा का निधन हाल में हो गया था, वह किस देश के निवासी थे। तो केन सुमरा जो कि प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, उनका हाल वो जापान के कॉमेडियन थे। तो हाल में ही जापान के कॉमेडियन केन सुमरा का निधन हुआ है। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे और अस्पताल में भर्ती थे। इनकी उम्र 70 वर्ष थी, जो कि 1970 के दशक के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन रहे हैं और जिनका हाल में अभी निधन हो गया है। उनका नाम है केन सुमरा, जो कि जापान के कॉमेडियन थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे सोच करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मूर्ख दिवस फूल्स डे कब मनाया जाए। तो एज ऑल ऑफ यू नो, मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1852 से हर साल मनाया जाता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल में ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 से निपटने के लिए 20 खरब डॉलर के पैकेज की घोषणा की। इसी के साथ इस पैकेज विधेयक की अमेरिकी पैकेज को अमेरिकी संसद ने पारित कर दिया है। तो 20 खरब डॉलर को अमेरिकी संसद ने पारित करके कोविड-19 से लड़ने के लिए उन्होंने पारित कर दिया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने 20 खरब डॉलर को अमेरिकी संसद में कोविड-19 से लड़ने के लिए पारित किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल में ही किस टेनिस खिलाड़ी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में 1.25 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की है। तो टेनिस खिलाड़ी हाल में ही जो कि सोनिया मिर्जा हैं, भारत की टेनिस स्टार खिलाड़ी सोनिया मिर्जा ने हाल में ही कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के लिए 1.25 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की है। इसी के साथ मिताली राज ने 10 लाख रुपये, मिताली राज ने 2 लाख रुपये की मदद की है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि हाल में किस राज्य की पुलिस ने राज कोप सिटीजन ऐप नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो हाल में ही राजस्थान की पुलिस ने राज कोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है, जिसके कारण लोगों को, जिसको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या इसके द्वारा हमें परमिशन मिल सकती है। राजस्थान पुलिस ने कोरोना वायरस के चलते राज कोप सिटीजन ऐप नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, जिसके मुख्य उद्देश्य राज्य के व्यक्तियों तथा कर्मचारियों किसी आपदा या फिर कोरोना वायरस की जरूरी परिस्थितियों में मदद करना है। या तो हमें ई पास बनवाना है, तो इस ऐप के जरिए तो आपको बहुत जल्दी ई पास मिल जाएगा। डॉक्टर्स हैं जो डेली वर्कर्स हैं, जिनका बहुत ज़्यादा जो मेडिकल रिसर्चर हैं या जो डॉक्टर से जुड़ी हुई टीम है, तो उनके लिए ई पास इस ऐप से जरूर जल्दी से जल्दी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल में किस शहर की पुलिस ने 1 अप्रैल को कोरोना से जुड़े प्रैंक्स और जोक्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो हाल में ही पुणे पुलिस ने कोरोना के ऊपर बनने वाले हर तरह के जोक्स और प्रैंक्स पर रोक लगा दी है। अगर इस पर कोई प्रैंक्स या जोक बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हाल में ही महाराष्ट्र के पुणे पुलिस ने 1 अप्रैल को कोरोना वायरस से जुड़े प्रैंक्स और जोक्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसका उल्लंघन करने पर IPC की धारा 188 के तहत 6 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये का 1,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि हाल में ही किसके द्वारा प्रोजेक्ट अरुणंक चलाया जा रहा है। सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये प्रोजेक्ट अरुणंक चलाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बीच प्रोजेक्ट अरुणंक के तहत सीमा सड़क संगठन लगातार काम कर रहा है। प्रोजेक्ट अरुणंक का पूरी तरह से दापोरोजी पुल को पूर्ण रूप से बदलने का काम चल रहा है, जो कि 430 फीट का मल्टी स्पेल बेली ब्रिज है।
तो हाल में सीमा सड़क संगठन जो कि प्रोजेक्ट अरुणाचल अभी भी COVID-19 से पूरा देश लड़ रहा है, वो उनका काम रोड बनाने का, सड़क बनाने का काम लगातार चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे स्विच करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उड़ीसा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो हमें पता है कि 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और हर साल 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1 अप्रैल को भारत के उड़ीसा राज्य में उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1936 में उड़ीसा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी जी। तो थैंक यू गाइस, तो आज हमने देखी 2 अप्रैल की करंट अफेयर्स, और हमारी एक दूसरी वीडियो आई है जिसमें आप पूरे अप्रैल के इंपॉर्टेंट डे को 1-5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। और आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप ब्लेसिंग।